गोंडा जनपद दिनांक 8 फरवरी 2022 को पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा के द्वारा की जा रही जनसुनवाई में उपस्थित होकर लखनऊ के एक बड़े व्यापारी राजेश ट्रेडर्स एस बाग लखनऊ के मालिक राजेश कुमार द्वारा बताया गया कि उनके फर्म द्वारा उड़ीसा से 17 टन सरिया ट्रक के माध्यम से मंगवाया था, जिसका कि पूरा पेमेंट कर दिया गया था। 27 जनवरी को ट्रक ओडिशा से चला था। 1 फरवरी को ड्राइवर, जो कि गोंडा का रहने वाला था, उसके द्वारा व्यापारी को ट्रक व सरिया चोरी हो जाने के बारे में बताया गया एवं इस संबंध में जनपद अयोध्या में शिकायती प्रार्थना पत्र देना भी बताया गया। लखनऊ व्यापार मंडल द्वारा लखनऊ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया गया। लखनऊ पुलिस के द्वारा व्यापारी को गोंडा पुलिस से संपर्क करने के लिए बताया गया, जिस पर व्यापारी आकर पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा को पूरे प्रकरण के बारे में अवगत कराते हैं। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोंडा के द्वारा प्रथम दृष्टया ड्राइवर की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होने पर तत्काल थाना वजीरगंज पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। साथ ही व्यापारी के साथ घटित घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया, जिसमें कार्यवाही करते हुए 2 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। जनपद गोंडा में थाना वजीरगंज एवं एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 40 लाख का माल एक चोरी की घटना के संदर्भ में बरामद किया गया है, जिसमें कि एक लखनऊ के बड़े व्यापारी, उनके द्वारा कल जन सुनवाई में आकर अवगत कराया गया था कि उन्होंने उड़ीसा से माल मंगवाया था जो कि लखनऊ जाना था। इसमें एक 14 चक्का ट्रक था और उस पर लदा हुआ सरिया था। ये जो सामान उन तक पहुंचना था, लेकिन ड्राइवर के द्वारा बीच में ही अवगत कराया गया कि ये सामान जो है चोरी हो चुका है। इसके संदर्भ में एक अन्य जनपद में शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया। व्यापारी के द्वारा लखनऊ व्यापार मंडल के माध्यम से लखनऊ में संपर्क भी किया गया, वहां से उनको जनपद गोंडा के लिए रेफर किया गया। कल जब इन्होंने पूरी बात बताई तो तत्काल इसको गंभीरता से लेते हुए मुकदमा थाना वजीरगंज पे पंजीकृत कराया गया और एसओजी टीम और थाना वजीरगंज टीम को लगाया गया। ड्राइवर जो है इस ट्रक का, वो जनपद गोंडा वजीरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसको तत्काल उसको राउंडअप किया गया, पूछताछ किया गया एवं उसके बाद इस घटना में निकल के आया कि ड्राइवर उस अपने साथियों के साथ ही मिलकर उसने ये गबन किया था, ये चोरी की थी, जिसमें कि वो ट्रक जो था उसको चोरी दिखाया था और उसका जो सामान था सरिया वह कर्नलगंज क्षेत्र के ही रहने वाले एक दुकानदार को बेच दिया गया था। हमारे टीम के द्वारा ये जो 14 चक्का ट्रक है, जिसकी अनुमानित कीमत 25-30 लाख है, उसको बरामद कर लिया गया है। साथ में 12 टन सरिया वो बरामद कर लिया गया है, 2 लाख नगद वो भी बरामद कर लिया गया है एवं माल बेचने वाले एवं माल खरीदने वाले अशोक प्रजापति उसको गिरफ्तार किया गया है। जो ट्रक का चालक था हफीज पुत्र सज्जाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो लखनऊ के जो व्यापारी थे उनके द्वारा भी हमारे कार्य को सराहा गया है। मेरी तरफ से भी सराहनीय कार्य करने वाली टीम को 25,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत किया जा रहा है। इस घटना में अन्य भी जो लोग अगर सम्मिलित होंगे, अगर आते हैं तो उनको सबको पकड़ के बरामदगी कराते हुए उन सबको जेल भेजा जाएगा।